मतलब एक बात समझो, आजकल मार्केट के अंदर जोर जोर सिल्क मतलब ये सब नॉर्मल कपड़े चलते हैं। हम दीदी एक बात समझो, आपकी तरह स्टैंडर्ड लुक वाले रखते हैं पीसेस, और इसी हिसाब से प्योर रोग के अंदर प्रॉपर सिल्क के अंदर एकदम डिफरेंट घेर वाला पूरा रियल अशोक के अंदर ये पूरा लहंगा मिलने वाला है। ब्लाउज की बात करूँ प्रॉपर सिल्क के अंदर ये भी रियल हैंडवर्क वाले विथ मिरर के साथ प्रॉपर रियल लुक मिलने वाला है। दुपट्टा भी वही खास खूबसूरती वाला, एक बात समझो रियल जोर जोर के अंदर एकदम डिजाइनर। वो मतलब नहीं बोलते थे आपने मतलब कोई आपका हेयर होता है मतलब एक बात समझो 20 रुपये की पड़ेगी, हेयर एंड शोल्डर डाल के दी आप मतलब की जूफ आते मतलब की एक बात समझो हेयर के साथ दी आप कैसे फैशन करते हो, बस हमने भी दी इसके अंदर एकदम रियल हैंडवर्क का पूरा ब्लाउज बना के एकदम स्टाइलिश सी पूरी लहंगा बनवा दी आपके लिए खूबसूरत है, और एकदम कुछ अलग ही लगने वाला इस बार आप पहनिए। रिच लुक भी लगेगा, कुछ डिफरेंट भी लगेगा, और आपके लिए स्पेशल ये मतलब एक बात समझो कि मतलब एक जब मतलब ऐसा हो जाता है कि हमने भैया मतलब हस्बैंड मतलब बस मुझे भगवान तरह बना मतलब श्री शंकर भगवान जैसे मतलब कि हाई बोल दे हर एक बात में जो भी दे आपको लाना हो मतलब एकदम भगवान भोलेनाथ के जहाँ बोले कि आप ला ही दो मतलब कि कोई भी है, तो एक लिमिट आ जाती है कपड़ों के अंदर कि ये कपड़ा होगा ये कपड़ा होगा, एक लिमिट आ जाती है। फिर हम कपड़े के अंदर लेने जाते हो तो ऐसी मतलब कि एक बात समझो चढ़ा मतलब वर्क वाला भी हो जाता है, गजी के अंदर भी हो जाता है, सिंपल रिच डिजाइनर सब कुछ होता है। फिर दीदी ऐसी सारी चॉइस को हम मतलब एक बात समझो कुछ डिफरेंट लेने जाते हो तो ऐसा कुछ लेना पड़ता है जहाँ दीदी मतलब कि अपने रिच भी ना लगे ज्यादा वो छड़का भड़का भी ना लगे, रियल प्योर गाले के अंदर ये बड़ा रिच लुक वाला ये बड़ा सुंदर सा बड़ा लहंगा मिलने वाला है, नीचे पूरी टेंपल बॉर्डर और ऊपर पूरा प्योर हैदराबादी स्टाइल के अंदर प्रॉपर पूरा ब्लाउज मिलने वाला है फ्रंट बैक दोनों साइड से एकदम फिनिशिंग वाली प्रॉपर स्लीव्स के साथ। ये पूरी ब्लाउज और दुपट्टे की बात करूं रियल गजी के अंदर डबल कलर के साथ व्हाइट विद येलो के अंदर प्रॉपर गजी का विद रियल रगड़ी पट्टा के अंदर ये बड़ा दुपट्टा मिलने वाला है। बाकी कॉम्बिनेशन था दीदी एक बात समझो मतलब कि कोई भी चीज़ मतलब बोलो ना कोई भी चीज़ मतलब कोई भी फंक्शन में आप खड़े होते थे वहाँ पीएम मोदी जी आप ही लगोगे वो वाला पीस। एक बात समझो हर एक गार्डन को एक बात समझो एक मतलब कि अलग अलग फूल होते हैं, मतलब गार्डन जब बड़ा कब बनता है एक बात समझो कि गार्डन जब कब कहलाता है, एक फूल से मतलब एक बात समझो ऐसा नहीं कि रोज वो फ्लावर मतलब मोगरा का फूल दे दिया और पूरा गार्डन के अंदर मोगरा मोगरा तो गार्डन नहीं लग रहा, गार्डन मतलब कि सारे मतलब हर फूल वहाँ हो एक बार समझो जासूद मतलब अच्छे गार्डन को बनाने के लिए रंग बिरंगी कलर फ्लावर्स वाले फूल और एकदम प्यारी सी दीदी मतलब कि एक बार समझो अब कुछ होना चाहिए वैसे ही दीदी इस लहंगों को भी हमने बनाने के लिए बोलो ना गार्डन जैसा मतलब कि इसको भी चनिया चोली बनाने के लिए सबसे प्रीटी वाली चनिया चोली बनाया हमने, सारे कलर इसके अंदर यूज किए पूरे पिंक विद रेशम विद स्काई ब्लू और एकदम अलग अलग कलर के साथ प्रॉपर रियल जॉर्जेट का पूरा लहंगा बनाने वाला है। और ब्लाउज की बात करूँ पूरा फ्रंट बैक दोनों से हैंडवर्क का ब्लाउज बोलते नहीं मतलब कि जितना गार्डन बढ़िया होना चाहिए वहाँ राइड्स भी एकदम हटके होनी चाहिए जिससे बच्चे भी खेलने आए तो मतलब अलग ही लगे। वैसे दीदी हमारी दीदी भी जब पहने एक बात समझो उनका भी कोई बच्चा हो मतलब एक बात समझो मतलब अपनी मम्मी के पास बोलूँ ना दीदी मतलब कि रोने लगे गोद में आगे वैसा नहीं होगा। ये मतलब कि ब्लाउज और डिजाइनर चीज आपका मतलब फोटोग्राफी भी एकदम रिच आएगी और मल्टी टोन के अंदर ये लुक भी एकदम बेहतर रहेगा वो 110% गारंटी रख के बोलता हूँ। आप खाली पहन के दी हम देखिए बिल्कुल गीत नहीं सामने ढोली रहा ढोल रहे वगैरह से एक लगन ना गरबा नहीं ढोल नहीं वागे डीजे नहीं वागे कसो समझ लो पर तुम्हारी छाया छोड़ी भी ऐसे ना बॉस के हम मतलब अलग अलग फील है कोई भी संगीत संध्या थी लेन गरबा थी लेन कसो जा डीजे तो स्टार्टिंग था उन्होंने सुन दीदी कसो बाकी छाया छोड़ी दीदी फर्स्ट क्लास तुम्हारा और कलर कॉम्बिनेशन भी जोरदार एंड प्लस आओ प्योर हैदराबादी जे पैटर्न पटोड़ा मतलब कि एक बात समझो जे मतलब कि स्पेशल भाडू खर्ची बता पैटर्न रहा है लेवा जाए ये अढ़ी अढ़ी त्रन त्रन लाख की छ छ लाख की साड़ी मतलब कि खाली बनावानी खाली पहनवानो एक प्रसंग के लोग बे कलाक नो अने जाए केटलू मेहनत केटलू करे बे दिवस नो भईनी रजा पड़े एमनो पगार कपाए तमारा पैसा मतलब कि साड़ी ना वपराय मतलब त्या जाओ खा पीए ना वपराय बधुं ज खर्चो गणता करता 2 લાખ 1 લાખ मतलब कि क्या साड़ी नो पैटर्न एवुं तमने अहींया आपणे साक्षात तमारा नाना भाई ना दुकान नी अंदर एकदम सॉफ्ट सिल्क नी अंदर मतलब क्या अत्यारना यंग बहनो मतलब कि इतने साड़ी पहेरवी गमती नथी कोईने फावती आपको अवेलेबल मिल जाए वैसे साइज के अंदर आपको ये सुंदर सा पूरा रियल पटोरा के अंदर ये सुंदर सा लहंगा आपके लिए स्पेशल क्यों दिवाली आवे ते जलेबी बने एना प्रसंग नु हसे दीदी वस्तु त्यारे दी प्योर रियल जे मोटा थे नाना सुधी कोई ने मतलब रियल जरी नी 2.5 લાખ रुपया रियल जरी मतलब कि पेलू छे मतलब जेमनी जान होय जेमनी लगन होय मतलब कि जे पेला दूल्हा भाई जे होय एमनी मम्मी पण रियल जरी नी 30-40 हजार नी साड़ी पहेरता होय दीदी एवा ज कॉन्सेप्ट नी अंदर अमारा एमने मतलब कि ब्राइडल ना मतलब कि जे वंदराजा होय एमना भाई बहन पण होय मतलब कि एमने भी एवुं कोई छणाय छोड़ फेस्टिवल पण साड़ी पहेरे तो केवुं लागे छे
માં બધા બહેનો પરિયો જેવા યંગ દીદી અને એવું બધું આવું બધું પહેરે અત્યારે વેસ્ટર્ન લુક તો જીન્સ પહેરતા પહેરતા અને સાડી પહેરવાનું કહીશું તો સારું લાગશે હા બચ્ચા અહીંયા શું પહેરે કહીશું તો મર્સિડીઝ જેવું લાગશે એમ ગાડી જેવું લાગશે એમ કે ને કોઈ બી જગ્યા ગાડી લઈને ગયા તો કે ભાભા પણ એક્ટિવા લઈને ગયા તો કે આપણે સાઈડના પાર્કિંગમાં મૂકી દઈએ બસ એ જ ના જ મતલબ કે એસી મતલબ કે લુક કે અંદર પ્રોપર એકદમ ડિફરન્ટ લુક કે અંદર એ બધા સ્ટાઇલિશ થા પ્રોપર ઇંગ્લિશ કલર કે અંદર ગ્રે કલર કે અંદર એ સુંદર બડા ઘેરા મિલને વાલા હૈ ઓર પૂરા રિયલ સરેગી જો મતલબ પ્યોર વીવિંગ કી એકદમ ખૂબસૂરત વાળી લહેંગા ઓર બ્લાઉઝ કે સાથ બાત કરું પ્યોર શોર્ટ શોર્ટ કે અંદર પૂરા બંદેજ કા બ્લાઉઝ મિલને વાલા હૈ ફ્રન્ટ બેક દોનો સાઇડ સે જરદોશી સ્ટાઇલ કે અંદર વર્ક ઓર બાકી તો ખૂબસૂરત આપ દી હૈ ઓર યે પીસ ભી હૈ મતલબ બોલતે નહીં મતલબ ભૈયા ઓર જબ બહેનો સાથ મે આતી એક બાર સમજો મતલબ બહેન મતલબ કોઈ ભી અકેલા હૈ તો એક બાર સમજો વો બોલ મતલબ એક બાર જીતના ભી ઘર કે અંદર ઝઘડા હો મતલબ બહેન યહાં જબ શોપિંગ કરને આતે હૈ વો લોગ બોલતે હૈ મતલબ ચોઇસ કરને કે અંદર એક બાર તો ભૈયા કો વિડિયો મતલબ પતા હૈ ભૈયા વહી બોલને વાલા હૈ કે તેરે કો જો પસંદ હો વહી લેના તો ભી દીદી હમારી દીદી મતલબ ઇતની ભોલી હૈ ને એક બાર સમજો કે એક બાર તો ફોટો ભેજ નહીં મેરે હસબન્ડ કે બિના મેં દિખાયું નહીં મતલબ ભૈયા ને 15,000 કા બંડલ દેકે ભેજા કે તો તેરે કો જો પસંદ તો ભી લે જાય તો ભી દીદી યહાં પ્રેમ ભાવ સે મતલબ કમ રેન્જ સે દેખતે દેખતે મતલબ યુ ભૈયા કા બહોત હી સુતે હમારી દીદી મતલબ એક બાર સમજો લાખ ગુના ઉનસે મતલબ એક બાર ખોટા હો જાય મતલબ કે તો ભી હમારી દીદી ઇતની દિલ સે ભોલી ના મતલબ એક બાર સમજો ઘર કા ઓર હસબન્ડ કા પહેલે સોતે તો ભી ઉનકો વિડિયો કોલ કરે દિખાતે हमारे भी हस्बैंड जी मतलब कि उनके हस्बैंड जी मतलब वही बोलते हैं कि मतलब कि तेरे को जो पसंद है ले ले और तेरे को जो जो पसंद आए वो जब जो वर्ड बोलते हैं ना उसके अंदर हमारी दीदी एक बात समझो ऐसी चीज लेते हैं दीदी प्योर घेजी के अंदर स्टैंडर्ड सी फूल घेरे के साथ रियल जरी के लकड़ी पट्टे के अंदर हैवी सुपरी बंदेज और अजग भी पूरा दोनों कॉम्बिनेशन एक बात समझो मतलब कि एक ही डिश के अंदर सीरो भी है और दूधपाक भी है वैसी वाली चीज है और दुपट्टा भी एकदम खूबसूरत वाला प्योर घेजी के अंदर बहुत ही खूबसूरत रियल जरी लकड़ी पट्टा के अंदर हैवी सुपरी दुपट्टा कॉन्सेप्ट कुछ अलग है इसी हिसाब से मतलब कि अलग जगह पे आपको पहनना है ऐसी खास शुरू में दीदी अत्यारे जितला भी आवे कसू नाना छोकरा मतलब क्या ना अत्यारे यंग जनरेशन तो पेलू के बेबी बेबी मतलब करता जब आमा ते 70 वर्ष मतलब क्या काका ने काकी भी आवे ने कसू अक्सर ना वन जाता है पर तो भी ना वाइफ ने अत्यारे से इतलू प्रेम थी राखे ने कसू बेबी कहीं ने बोलावे तो ये स्पेशल बेबी दीदी माटे मस्त बेबी पिंक कलर नो मस्त प्योर जॉर्जो नो रियल मिरर वर्क वालो एकदम स्टैंडर्ड पीस नो एकदम डिजाइनर पीस वालो एकदम लुक वालो एकदम मस्त हैवी फुल घेर वालो टोटली मिरर साथ नो मस्त डिजाइनर ब्लाउज फ्रंट विद बैक બંને સાઈડથી ડિઝાઇન બ્લાઉઝ મતલબ બેક સાઈડ બી એકદમ બેકલેસ ને બ્લાઉઝની સાઈડ બી એકદમ ફ્રન્ટ સાઈડ બી પ્યોર લખનવી વિથ એકદમ મસ્ત મિરરવર્કની અંદર સ્ટાન્ડર્ડ બ્લાઉઝ આવો સ્ટાઇલિશ બ્લાઉઝ પહેરવાનું તમે 70 વર્ષના બી રાખતા હશો ને તો બી બાજુવાળા આંટી વિશ્વાસ નહીં કરે તમે કોઈ પ્રસંગને અટેન્ડ કરશો ને તો તમે કોઈને કહો છો ને તમે યર તો વિશ્વાસ જ નહીં કરે ભાઈ તું તું હું તને સવાલ નહીં મળી એવું જ કહેશે મતલબ હરેક દીદી આપકો વૈસા હી બોલેગી